सर साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए बी होता है ना, मतलब क्या साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मेट फॉर्म आया तो उसको कॉस कॉस में बदलता है ना, वो कॉस इनटू कॉस। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है भाई? टू साइन ए माइनस कुछ तो होता होगा ना यार। साइन ए माइनस साइन बी क्या होता होगा? टू साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं है? क्रिश वापना हो गया तुम्हारा? हाँ सर। यार टफ नहीं यार, सिंपल है, बेसिक फॉर्मूले आते हैं तो आता होगा। और किसी का हुआ अभी तक? ध्रुव हो तुम्हारा रहा हुआ? है सर। क्रिश जैन तेरा? क्रिश जैन, इब्राहिम, जवाब सर ट्राई कर रहा हूँ। हाँ सर चालू है। जय अंबानी, यस सर, हो रहा है। सर एकदम लास्ट में क्या किया था आपने, वो इसमें वो 1/√2 सब्स्टिट्यूट किया आपने फिर? फिर क्या, यहाँ पे भी एन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू बन गया, तो यहाँ पर तुम्हारे जीरो हो गया। ये 1/√2 है, 2 × 1/√2 × 1/√2, और यहाँ पर थीटा बाई टू इंटू साइन थीटा बाई टू का लिमिट लग गया। अच्छा लिमिट लग गया।
हाँ सर हो गया। देखो मैं इतना टाइम दिया, उम्मीद करता हूँ सबका हो गया होगा। मुझे लगता है मैं फालतू में तुम लोग का रिवीजन वगैरह करा रहा हूँ, मतलब मैं सिलेबस ही खत्म कर देता है यार, क्योंकि मैंने तो देखा कि अभी बोर्ड गए मई में, मेंस भी मालूम है नहीं होने वाला है, अच्छे से करा दो, तुम लोग का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे यार, मतलब समझ रहे हो ना, मेरे को इंटरेस्ट चाहिए होता है क्लास में, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, मैं कितनी फाइट मार रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं पत्थर को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अपन ने कल बेसिक डीआई की चीजें पढ़ी थी, ठीक है, अभी ऑब्वियसली मैडम ने आपको सारी प्रॉपर्टीज डीआई की पढ़ाई थी, ठीक है ना, और है ना, ठीक है। नाउ थिंग इज दिस कि यार चूंकि मुझे पढ़ाना है अभी आगे तक, तो मैं जब डिस्कस करूंगा तो मेरे सारे प्रॉपर्टीज के नाम वाम है, तो मैं नाम वाम दे देता हूँ, ठीक है। एक और चीज नोट कर लो, चलो ठीक है, डीआई को इवेल्युएट कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, लिख लो इसको, आई थिंक मैंने लिखवाया होगा बट फिर मैं लिखवा रहा हूं, रूल फॉर इवेल्युएशन ऑफ डीआई, न्यूटन लेबनिज, न्यूटन लेबनिज वन, मतलब थ्योरम, न्यूटन लेबनिज थ्योरम वन, न्यूटन लेबनिज थ्योरम वन, ठीक है। देखो कैसा है कि इसको ऐसे बोलते हैं कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स ए से बी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। Now the comes the important point where fx is one of those anti-derivative मतलब integration anti-derivatives of f, यह हटाओ, where f is such that, ध्यान देना अब, f dash x is equals to fx for all x belongs to a से b, this only this case you can apply the formula for integration, जो आप लगाते हो ना कि integrate करे कुछ भी आ गया a से b लगा दो, ठीक है, where f is such that f dash x is equals to fx, where f dash x is such that f dash x is equals to fx। देखो ना, मतलब कैपिटल f ऐसा होना चाहिए जो कि a से b में क्या हो, डेरिवेबल हो, how should the capital f be such that it should be derivable in a से b ना, now if capital f is derivable in a से b और ये fx is small fx, क्या लिखा है मैंने, f dash x ना, that means small f क्या होगा, a से b interval में it should be continuous, ये बात समझ में आती है क्या, कि अगर f का, कैपिटल f का डेरिवेटिव अगर स्मॉल f है a से b में, इसका मतलब ये हो गया ना यार कि स्मॉल f शुड बी कंटिन्यूअस, तो अंदर का जो फंक्शन है वो a से b में कंटिन्यूअस है, अगर ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव हमेशा ये है फॉर a से b, देन ओनली योर न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला इज ट्रू, एल्स यू विल गेट दी रॉन्ग आंसर्स, एल्स यू गेट दी रॉन्ग आंसर्स, ये बात समझ में आती है क्या, गलती दिखाऊं मैं पहले इसमें, ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपने कॉपी कर लो, तो मैम ने hx to fx बताया था, मैम ने आपको, आप NL2 की बात कर रहे हो, न्यूटन लेबनिज 2, उसमें मैडम ने डिफरेंशिएशन बताया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहां मैम ने पहली बार बताया होगा ना कि a से b fx dx को ऐसा लिखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास जब मैम ने डीआई शुरू किया होगा उस वक्त मैडम ने बताया होगा ना ये चीज, जो भी है मैंने बताया नहीं बताया, डोंट केयर, आपके पास सर मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा ये चीज नहीं कर सकते हो,
हमेशा ऐसा नहीं है कुछ भी आप इंटीग्रेट करके लिख दो और ए से बी लगा दो, ऐसा नहीं चलता है। आपका एफ शुड बी सच दैट इट इज इट्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑन ऑल एक्स ए से बी, अदरवाइज योर फॉर्मूला ऑफ लिटिल लेबनीज इवोल्यूशन इज रॉन्ग। ये क्लियर है क्या? रब करें इसको, चलो ध्यान देना इसमें। हर बच्चे को बोल रहा हूं जो भी इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, दिस इज अ वेरी सीरियस फॉर्मूला एंड वेरी सीरियस एप्लीकेशन ऑफ माइंड शुड बी अप्लाइड देयर। मैं आपको गलती दिखा रहा हूं, आप गलती देखो। सॉरी, ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैं, मेरे को इंटीग्रेशन करना है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं करूंगा इंटीग्रेट। कैसे करते हैं? ऊपर नीचे में sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे में sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बोलो क्या हो गया? हेलो गाइस, टाइम, कम ऑन गाइस, गिव मी द आंसर्स ना। sec स्क्वायर x dx यहां पे कितना हो गया? 1+3 tan² x, ओके? यस सर। नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? tan x, आप tan x को t लो। यस बॉस, यू आर राइट, tan x को t लेंगे। सो व्हाट द व्हाट डू यू गेट एज द फाइनल आंसर? d 1 बाय फाइनल आंसर व्हाट डू यू गेट? 1/√3 tan x, ओके आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। अभी 0 से पाई लगा दो, क्या आंसर आ रहा है बताओ? 1/√3 tan इनवर्स, पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 0, आंसर इज 0, विच इज रॉन्ग आंसर। ये तो आपको मालूम है ना कि रॉन्ग आंसर है ये। देखो ना, सिंपल सी बात है, ये जो कर्व है ये तो पॉजिटिव कर्व है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो हमेशा कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना, ये रॉन्ग है। बताओ गलती क्या है यहाँ पे? tan x को t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। tan x को t सब्स्टिट्यूट करने की बात, सर लिमिट चेंज हो जाएंगे। नहीं, उससे लिमिट चेंज नहीं पड़ता, लिमिट चेंज नहीं पड़ता, tan x कंटीन्यूअस नहीं है। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो आपने लिखा है ना एज fx है ना, इसका इसका f'x जो है ना वो 0 से पाई में डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? बिकॉज़ जो tan x है ना, tan x वो कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है। tan x कैसा है? डिसकंटीन्यूअस है एट पाई बाय 2, सो यू कैन नॉट सॉल्व बाय दिस मेथड। सर ये बात समझ में आती है बच्चे? ठीक है, तो इसका सही तरीका आपने, अब मुझे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आप ये, देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैम ने ऑब्वियसली पढ़ाया है आपको, ठीक है, सही पढ़ाया है, सब कुछ सही है मैम का। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी हैबिट है ज्यादा डीप में जाने की टेक्नोलॉजिकली, आप बस थोड़ा सा समझो चीजों को, थोड़ा सा क्लास में इंटरेस्ट दिखाओ, ठीक है। अभी आप देखो मैंने गलती कहाँ पे पैदा की है, वेयर हैव आई डन द मिस्टेक? मैंने ये जो मल्टीप्लीकेशन किया ना, यही पे मैंने मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी है बताओ? मैंने sec, मैंने sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, मैंने sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, मानते हो? और sec स्क्वायर x जो है वो तो पाई बाय 2 पे प्रॉब्लमेटिक है ना, sec स्क्वायर x पाई बाय 2 पे कैसा है? sec पाई बाय 2 कितना होता है? प्रॉब्लमेटिक है ना, तो आपने वैसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करके सिस्टम को खराब किया ना। ये बात समझ में आती है? इसको सही तरीके से सॉल्व कैसे करना होता फिर बताओ? अब आप पहले कॉपी करो, पहले आप कॉपी करो, फिर मैं आपको दो तरीके दिखाता हूं इस मिस्टेक को अवॉइड करने का। फिलहाल आप कॉपी करिए इसको, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, आई विल क्लेरिफाई। आप लोग जो पढ़ रहे हो समझो ध्यान से, जस्ट कॉपी दिस।
हेलो सर। हाँ बोलो सर, आपको कैसे पता चला रॉन्ग है? जो आंसर आया वो गलत क्यों है पूछ रहे हो? मुझे पहले से कैसे मालूम चल गया गलत है? हाँ ठीक है, ये जो फंक्शन है 1/1 + 2 sin²x, ये 0 से π में तो हर जगह पॉजिटिव ही रहेगा ना, ये 0 से π में तो हर जगह पॉजिटिव ही रहेगा ना। यस सर। उसका आंसर यस सर। अरे भाई ये पॉजिटिव रहेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो जो तुम छोटे 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 रेक्टेंगल बना के जो सम निकाले हो, दैट कांट बी जीरो ना। अच्छा समझ गया। ठीक है, एनीवे मैं रब कर रहा हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा मिस्टेक मेरी। अब नाउ इस मिस्टेक से बचने के दो सही तरीके हैं। एक तो सही तरीका यह है कि आप गलती पैदा ही मत करो, आप सही तरीके से सॉल्व करो। सही तरीके से सॉल्व करो मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको अभी दिक्कत नहीं है ना इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे। बोलो यस और नो, नहीं दिक्कत है ठीक है, क्या बन जाएगा बोलो? 0 से π, बोलो भाई, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये तुम्हारा बन जाएगा 3 + cot²x, यस और नो है ना? अभी सब्स्टिट्यूट कर दो cot x को t, क्या हो जाएगा? -cosec²xdx/dt आ जाएगा ना यार, है ना? तो आपका इंटीग्रेट करने पे कितना आएगा बताओ? आपका cot x को t इंटीग्रेट करने पे कितना आ रहा बताओ? -1/√3, -1/√3 tan इनवर्स cot x आ रहा है मेरा, तो -1/√3 tan इनवर्स √3 cot x, चेक करो सही है गलत है। कोई कुछ चेक करने को तैयार भी है यहाँ पे? चेक कर एक मिनट सर, डिवाइड। हाँ बोलो, कुछ गलत है ना? वो cot x by root 3 नहीं होगा? cot x by root 3 कर लो ठीक है। अभी डालो वैल्यूज, ठीक है अब डालो वैल्यूज, फाइन। अब अगर वैल्यू डालो तो क्या हो रहा है बताओ? -1/√3 tan इनवर्स cot pi कितना होता है? cot pi आइडिया है? cot pi क्या होता है? ये होता है cot का ग्राफ। जब di में अपन वैल्यू नहीं डाल पाते हैं तो अपन लिमिट लगा देते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ क्या होगा फिर? tan इनवर्स cot pi कितना होगा बताओ? दिख रहा है cot pi, ये पाई है ना, और ये जीरो है और ये पाई बाय टू है, तो cot pi तो आप नहीं पहुंच सकते हो, cot pi माइनस तक पहुंच सकते हो, तो cot pi माइनस कितना होगा? -∞ माइनस tan इनवर्स cot 0+। आप cot 0 नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन आप cot 0 के आगे पहुंच सकते हो ना, कितना आ रहा है? +∞। ये बात क्लियर है? अब मुझे बताओ tan इनवर्स -∞ कितना होता है? -π/2, और -π/2 हो गया, कितना आ गया आपका? π/√3। π/√3 ये एक तरीका है जो आपने सिस्टम में सब कुछ सही सही किया। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, हमको क्या मालूम कि हम जो कर रहे हैं गड़बड़ी हड़बड़ी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है? तो मैं sec स्क्वायर एक्स से सॉल्व कर रहा हूँ वापस से। हमने जब sec स्क्वायर एक्स से सॉल्व किया था, आपने कॉपीज में नोट किया है ना, आपका आंसर क्या आया था बताओ? 1/√3 tan इनवर्स √3 tan x, यही आया था। और कहां से कहां करना था? 0 से π है ना, ओके। अब यहां पे 0 से π में tan x किस पॉइंट पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? tan x π/2 पे, तो ब्रेक द सिस्टम एट π/2, ब्रेक द सिस्टम एट π/2 एंड अप्लाई लिमिट्स, अगेन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी सॉल्व करो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, लेट्स सी वी सक्सीड और फेल। चलो बोलो भाई, 1/√3 tan इनवर्स इन्फिनिटी आ गया ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2 tan 0 खत्म, प्लस 1/√3 tan इनवर्स π कितना हुआ? 0, और tan इनवर्स
यहाँ ये देखो इम्पोर्टेंट है, सुनो बात सुनो। जब यहाँ पर तुम पाई बाय टू लिखे हो, ध्यान देना मैं आपको जब यहाँ पर पाई बाय मैं लिख देता हूँ अच्छे से, आप लोग को ये चीज नहीं अच्छे से आए, ये tan इनवर्स रूट थ्री tan x जब लिख रहे हो ना, तो आप tan पाई बाय टू माइनस लिख रहे हो, ये बात ध्यान रखना। पाई बाय टू तक जा रहे हो, पाई बाय टू के पहले तक, तो पाई बाय टू के पहले क्या होता है, पाई बाय टू माइनस विच विल गिव यू प्लस इन्फिनिटी विच विल गिव यू वन बाई रूट थ्री। अरे ये बात चमकती है क्या? और यहाँ पर आप पाई, यहाँ पर कहाँ पे हो गए तुम, पाई डाले जीरो हो गया, माइनस बोलो tan इनवर्स, कम ऑन गाइस, tan इनवर्स tan पाई बाई टू प्लस, ये बात चमकी। यहाँ पर तुम यहाँ पर एट दिस मोमेंट यू आर गोइंग फ्रॉम जीरो से पाई बाई टू, यू कुड नॉट रीच पाई बाई टू बट यू कैन अप्रोच पाई बाई टू फ्रॉम लेफ्ट साइड। हियर व्हाट इज हैपनिंग, तुम पाई बाई टू से पाई जा रहे हो एंड यू आर एबल टू रीच पाई बाई टू फ्रॉम दिस साइड, है ना, दैट इज वाई पाई बाई टू प्लस, सॉरी व्हाट हैव आई डन मिस्टेक। हाँ सही है ना, सही है फाइन। सो अपना यहाँ पे अपना आंसर कितना आ गया, जीरो माइनस दिस विल बी माइनस इनफिनिटी, tan इनवर्स माइनस इनफिनिटी, फाइन। यहाँ पे इट इज जीरो माइनस माइनस इनफिनिटी, ओके, जीरो माइनस माइनस इनफिनिटी, ठीक है। वापस आपका कितना आंसर आ गया, पाई बाय रूट थ्री, ये बात चमकती है, ठीक है। तो आपके दो सही में, आपके दो तरीके हो गए इसको सही करने के। एक मिनट कॉपी कर। तो अगर हमने पहले स्टेप में न्यूटन लेबनिस, इतना ध्यान रखना है कि न्यूटन लेबनिस बेवकूफों की तरह हर बार नहीं लगा देना चाहिए, ये देखना चाहिए कि जो अंदर की चीजें हैं वो प्रॉब्लमेटिक नहीं हो रही हो। अगर वो प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जस्ट फॉलो वन रूल, ब्रेक एट द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर बार ये सही तरीके से सोच पाना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एग्जाम के लिए, इतना कौन सोचता है कोशिश से करना है, सिक्स करना है, हम तो हर बार सिक्स करते हैं ना, तो हम हर बार सिक्स करेंगे, जब दिक्कत आएगी वहां पे ब्रेक कर देंगे। सर तो कोई अल्जेब्रिक फंक्शन में होता है ऐसा? हाँ होगा ना, होगा ना, आगे देखेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ऐसा? हाँ प्रॉब्लम आएंगी ना, प्रॉब्लम्स आएंगी, डोंट वरी, प्रॉब्लम्स विल बी देयर, जहाँ प्रॉब्लम आएगी हम वहां ब्रेक कर देंगे भाई। अंदर की सिंपल सी चीज है, जो चीज तुमने माना है इंटीग्रेट कर पे आ रहा है, दैट थिंग शुड बी डिफरेंशिएबल, नथिंग एल्स। अपनी नेक्स्ट क्लास कल ही होगी ना? हाँ सर कर दिया। बढ़िया। हाँ सर। सर कल की क्लास थोड़ी जल्दी ले सकता अगर सबको चलेगा? कल क्लास कितने बजे बोलो? 6:30 को है। 6:30 को है, कितने बजे लेना है तुम बताओ? अगर 6:30 को, इसका मतलब मेरी क्लास फिर 6:15 तक कहीं और होगी। कल तो हमको ये भी है ना, कॉलेज के भी है सर। कल तो आपकी क्लास 4:15 की है ना? हाँ कल मुझे मालूम है सर, कल 4:15 है। ठीक है, मैं टाइम टेबल देखता हूँ अपना फिर। फाइन, वैसे बता दूंगा। 4:15 रखो ना सर, 2:15 नहीं नहीं 4:15 ही रखो ना, होमवर्क दूंगा ना यार, फिर तुम होमवर्क नहीं करोगे कहोगे सर ये बहाना है। हमको कॉलेज सर, हमको कॉलेज लेक्चर है, बैठना थोड़ी होता है कॉलेज लेक्चर में।
नहीं वो एक एक सब्जेक्ट उसमें बैठना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है ना वो, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपटीशन भी आता है उसमें बैठना पड़ता है। कॉपी कर लिए? हेलो, अबे तुम चुप मत हो जाया करो यार। हेलो, यस सर। हाँ सर, सर कर लिया भैया। कॉपी हो गया ना सभी का? ठीक है, चलो। तो ये था न्यूटन लेबनिस का एक बेसिक एप्लीकेशन, ठीक है। अभी जो है ना एक चीज और देखते हैं कि डीआई का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या है बताओ? इट इज दी एलजेब्रिकल एरिया। ध्यान रखना, आपको दो दिन से मैं ये तो पढ़ा रहा हूं, ये जो है एलजेब्रिकल एरिया है। आपको समझ में एलजेब्रिकल एरिया कैसे है? व्हाट डू यू मीन बाय एलजेब्रिकल एरिया? व्हाट डू यू मीन बाय एलजेब्रिकल एरिया? एरिया नहीं है एग्जैक्ट, ये क्या है? एलजेब्रिकल एरिया है। व्हाट डू यू मीन बाय एलजेब्रिकल एरिया? नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। आप देखो ना, मैंने ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या बताया, कल से अपन जो बार बार एल आई एस यू आई एस कर रहे थे साइन एक्स कॉस एक्स का, याद है? देखो उसमें कैसा याद आ रहा है, कैसा था? जैसे जैसे हम इंटरवल छोटे करते जाते क्या होते जाता, ऐसा ऐसा छोटा छोटा बनते जाता ना यार। फाइनली सबको ये फील आ रही है क्या? ये जो सेक्शन शेड किया है मैंने, ये क्या शेड किया है बताओ? जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स सेट किया है ना। अरे सब पे क्लियर है क्या कि कल जो हम लोग जो पिछली क्लास में एल आई एस यू आई एस की बात कर रहे थे और फिर अपने आई एन की बात करी थी और एन टेंस टू इनफिनिटी की बात करी थी, उससे क्या हो गया था? जो रेक्टेंगल के विड्थ थे वो बहुत छोटे हो गए थे ना, तो फाइनली क्या हो गया था? जो एरिया छूट रहा था, जो एरिया एक्स्ट्रा आ रहा था, वो सब कैंसल आउट हो जा रहे थे। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। A से B fx dx is not the area under the curve, it is the algebraical area between the curve, between curve and x axis. Please understand this point. ये मैंने कल से तो ये बता रहा हूँ ना आपको, हम लोग actually आपको ध्यान सोचो, मैं कल से यही तो बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं? कि A से B fx dx क्या होता है? Algebraical area होता है ना। हम लोग पहले क्या किए, पहले छह इंटरवल लिए, पहले तीन इंटरवल लिए, फिर छह इंटरवल लिए, उससे क्या हो गया? रेक्टेंगल्स की विड्थ छोटे होती गई ना। अगर रेक्टेंगल्स की विड्थ छोटे होते जाएगी, जो एरिया एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था वो अपने आप क्या हो जाएगा? निगेट हो जाएगा ना। ये बात चमकती है क्या? तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज द एलजेब्रिकल एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। ये बात चमकती है, ठीक है। तो बताओ इसका, जीरो से मान लो ये दिया, बताओ इसका फटाक से आंसर। तो माइनस थ्री से फाइव जी आई एफ एक्स डी एक्स क्या होगा बोलो? इसका एरिया शेड करो, बताओ कितना होगा आंसर फटाक से। आपको इस चीज की फील है ना कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? एलजेब्रिकल एरिया होता है। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कितना आंसर आएगा बताओ? सर तीन तो डब्बे का है, कुछ आएगा ना? इसका आंसर कितना आया बोलो? वन टू थ्री फोर। इसका कितना आंसर आया? एलजेब्रिकल एरिया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? फोर। A से B, FX, DX is algebraical area. ये बात चमकती है।
सोच के बताओ कॉमन सेंस से, जीरो से पाई कॉस की पावर 7x dx कितना होगा आंसर? कितना होगा बताओ? जीरो। जीरो कैसे? सर ऊपर नीचे सेम अमाउंट ही जाएगा ना, ऊपर नीचे सेम अमाउंट है, तुम कितना भी पावर कर दो वो सेम अमाउंट रहेगा ना। अगर कॉस की पावर 7 भी कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू नीचे हो जाएगी थोड़ी थोड़ी हर जगह, सारी वैल्यू जब 0 से 1 की वैल्यू है सारी वैल्यू थोड़ी थोड़ी ऊपर हो जाती है ना, लेकिन वैल्यू तो सिमेट्रिकल जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहेगा ना, वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी जीरो। डीआई को ए से बी एफ एक्स डी एक्स को डीआई को एल्जेब्रिकल एरिया के तौर के रूप के टाइप पे देखना इज अ वेरी गुड थिंग, ऑलवेज थिंक ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज एल्जेब्रिकल एरिया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज एल्जेब्रिकल एरिया, इतना क्लियर है? मैं रैप करूं इस चीज को? ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज एलजेब्रिकल एरिया, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज एलजेब्रिकल एरिया, इतना क्लियर है? ठीक है। अभी देखो मैम ने आपको प्रॉपर्टीज तो पढ़ाई थी ना सारी इसकी डीआई की है ना सॉल्व करने वाली, ठीक है। एक और चीज लिख लो, while substituting in definite integrals, care must be taken that, while substituting in definite integrals, care must be taken that, care must be taken that, the substitutions are 1-1 and onto, and 1-1 onto and monotonic. While substituting in DI, the care must be taken that the substitutions are 1-1 and onto. So it is better to substitute in inverse terms. So it is better to substitute in inverse term, because in that case the limits are readily available to us. देखो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप तो इतना सोचो, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी मैं लिखवाया हूँ एक दो अच्छे क्वेश्चन छोड़ के, आप बस इतना ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन जो रहती है ना उसको हमेशा ऐसा पुट करो सब्स्टिट्यूशन की 1-1 ऑन टू रहे, अगर ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट किए हो जो 1-1 ऑन टू नहीं रहे तो लिमिट्स डालते वक्त ध्यान देना चाहिए कि लिमिट्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है। ये बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूं? हां, नहीं सर मेरा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट इजीली मिल जाती है। हाँ बस इतना ध्यान रखो, जैसे कि मान लो तुम लोग अभी तक आईडीआई में साइन एक्स को टी तो हम लोग सुबह शाम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे ना, हर बार जब मन आता था साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देते थे ना हम लोग ये सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे डीआई में, हम लोग क्या करेंगे एक्स को साइन इनवर्स टी, ये अच्छा है, ठीक है। ट्राई करो उस चीज को फॉलो करने का, मान लो एक्स स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करते थे तुम, तो इससे अच्छा क्या है एक्स को रूट टी सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट्स निकालने में आसानी रहती है। क्लियर है क्या? ये बेसिक चीज है, बताना चाह रहा था मैं बस कि मतलब कभी फंसोगे तो याद कराऊंगा मैं, मैंने बताया था, बाकी कोई खास ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है उसमें उस चीज से मुझे। सबको इतना क्लियर है क्या अभी?
ठीक है, प्रॉपर्टीज में कल ही कराना चाहूंगा। मुझे आप बताओ पहले एक चीज बस, कि आप लोग कल के लिए कितना होमवर्क कर सकते हो? सर कल के लिए तो मतलब आप 7.6 हो गया ना? नहीं 7.6 नहीं बोल रहा मैं, कल के लिए कितना होमवर्क कर सकते हो, मैं फ्रेंकली पूछ रहा हूँ। 5.2 और 5.3 भेजूं कर लोगे? सर क्वेश्चंस कितने हैं? वही आपको कॉलेज लेक्चर 2 घंटे का, क्या बोल रहा है? कॉलेज लेक्चर 2 घंटे का अपना, कुछ 1 से 3 या तो 12 से 2 ऐसा कुछ टाइमिंग है। 12 से 2 तो मैं अभी क्लास जल्दी छोड़ दे रहा हूँ। देखो 5.2 जो है वो मेरे हिसाब से 1 घंटे की एक्सरसाइज है, कहने को 30 क्वेश्चन है, बिल्कुल 11th वाले क्वेश्चन है, फटाक फटाक आंसर पुट करना है, फटाक फटाक आंसर आएगा, ठीक है? 5.2 और 5.3 दे रहा हूँ, देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है? 5.3 में कितना है? 5.3 सिंपल है, 5.3 में कम है, 5.3 में 15-16 है, वो ज्यादा नहीं है, ठीक है? ठीक है, मैं भी इसे जल्दी छोड़ रहा हूँ, आप ये होमवर्क करो पहले, ठीक है? ठीक है।